नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि महाराज, आप कह रहे हैं कि ऋषिशृंग ऋषि के सिर पे सींग था, मृग के गर्भ से उनका जन्म हुआ था, लोमपाद ऋषि के यहां वो गए और उनके यहां बारिश हो गई। विस्तार से पूरी कथा सुनाइए। तो लोमस ऋषि कहते हैं कि कश्यप गोत्रीय विभांडक नाम के अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी एक ऋषि हुए। महाहरदम समासाद्य काश्यपः तपसि स्थितः, एक विशाल बहुत बड़े कुंड में खड़े होकर के वो तपस्या कर रहे थे। काफी समय तपस्या करते करते परिश्रांता ऋषि सा देव संमिता, काफी थक गए। उसी समय की बात है, वहां उर्वशी नाम की अप्सरा स्नान के लिए आ जाती है। ऋषि तो अपनी तपस्या में रहते, वो अप्सरा जब वहां स्नान करती है तो उसको देख करके ऋषि का रेतस जो है वीर स्खलन हो जाता है। और एक मृगी जो वहां जल पीने आई थी उस रेतस को, उस वीर को पी जाती है और इसके कारण वो गर्भवती हो जाती है। देखिए, कथा जो भी कहे, आप भी समझदार हैं। कथाएं कथा के रूप में कही जाती हैं। समझने के लिए कहा जाता है ना कि जो ना लिखा हो वो भी समझने की शक्ति हो, तभी तो आप समझदार हैं। तो कथा तो इसी रूप में कही जाएगी ना, कि कोई अत्यंत सुंदरी स्त्री वहां आई है और उस स्त्री के सौंदर्य को देख करके ऋषि से नहीं रहा गया। अब वो स्त्री तो उनको प्राप्य नहीं है, तो किसी मृगी के साथ ऐसा हुआ है। और वो मृगी जो है वो एक बालक को जन्म देती है, क्योंकि मृगी के गर्भ से उसका जन्म हुआ है, इसलिए उसके माथे पे एक सींग है। तो विभांडक मुनि के अंश से, मृगी से जन्मे हुए ये ऋषिशृंग थे। इसका परिणाम ये हुआ कि इन ऋषि कुमार ने, ऋषिशृंग ने अपने जीवन में, वहीं वन में रहते थे, अपने पिता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को देखा ही नहीं था। और स्त्री को तो किसी को देखा ही नहीं है। भाई, जो बालक मां के गर्भ से जन्म ले वो कम से कम अपनी माता को देखता है, और माता को देखे, उसका स्तनपान किया हो तो उसको यह भी मालूम होता है कि स्त्री के अंग प्रत्यंग कैसे होते हैं। इन ऋषि कुमार को तो कुछ भी मालूम नहीं है। न तेन दृष्ट पूर्वो अन्यः पितुः अन्यत्र मानुषः। महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं कि अपने पिता के अतिरिक्त इन ऋषिशृंग ने किसी मनुष्य को नहीं देखा था। स्त्री की तो बात जाने दो। तस्मात तस्य मनोनित्यं ब्रह्मचर्ये भवन नृपः, इसलिए हमेशा वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। अब इधर इनके यहां ऋषिशृंग का जन्म हुआ है। दूसरे तरफ की कथा सुनाते हैं कि महाराज दशरथ के एक मित्र थे, लोमपाद नाम था। रामायण में इनका नाम रोमपाद पाया जाता है। राकाला, ये बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है। रे ल रे और अभेदा, री और ली का अभेद होता है, ऐसा संस्कृत का सूत्र है व्याकरण का। तो रा और ला के उच्चारण में ज्यादा सिरदर्दी वाली बात नहीं है, तो कहीं लोमपाद कहीं रोमपाद मिले इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ काल का फर्क है कि एक काल में रा बोला जाता था और दूसरे काल में जब ये कथा तक पहुंचे हैं तो वहां रा को ला बोला जाने लग गया है। कितना ही अंतर है। अंग देश के राजा हैं, परम प्रतापी हैं, हर तरीके से धर्मात्मा हैं, लेकिन किसी बात पे जो उनके पुरोहित थे उनके ऊपर उन्होंने एक मिथ्या आरोप लगा दिया। व्यक्ति के जीवन में कभी कभी इस प्रकार के स्खलन हो जाए, ये बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर व्यक्ति दूध का धुला नहीं हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कोई इस प्रकार की घटना बन सकती है। लोमपाद के साथ भी ये हुआ, लेकिन उसका परिणाम बड़ा भयानक हुआ। पुरोहितापचाराचा तस्य राग्नो यदृच्छया ना बवर्ष सहस्राक्षे ततो पीड्यंत वही।
पुरोहित का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान करने के कारण देवराज इंद्र क्रुद्ध हो गए, क्योंकि यज्ञ आगादि बंद हो गए, और यज्ञ आगादि बंद हुए तो उन्होंने वहां बरसात करना ही बंद कर दिया। अब बरसात नहीं हो तो प्रजा बड़ी व्याकुल हो गई, बड़ी दुखी हो गई है। ऐसे में उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, भाई एक घटना बन गई, उनसे क्षमा याचना की है और उनसे इसका उपाय पूछा है कि कोई उपाय बताओ। ब्राह्मणों ने बड़ा विचार किया और उनसे ये कहा कि विभांडक पुत्र ऋषि श्रृंग जो हैं, अगर आप उनको अपने राज्य में बुला सकते हैं, उनका पदार्पण आपके राज्य में होगा, तो उस दिन इंद्र को बरसात करनी ही पड़ेगी। देखिए विभांडक परम तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, उनके क्रोध से सब परिचित हैं। रामायण में विस्तार से इस कथा को कहा गया है, वाल्मीकि रामायण में, वहां मैंने इसको प्रस्तुत भी किया है। उनके मंत्रियों को जब ये कार्य राजा लोमपाद ने सौंपा है तो मंत्रियों ने तो सीधे हथियार डाल दिए कि महाराज ये काम हमसे नहीं होने वाला। फिर युक्ति पूर्वक ये कार्य वेश्याओं को सौंपा गया। वेश्या सर्वत्र निष्णाता ता उवाच स पार्थिव ऋषि श्रृंग ऋषि पुत्रम आनयध्वम उपायतः। भाई कुछ भी उपाय करो, ये अपने राज्य की समृद्धि का, राज्य की प्रजा के सुख दुख का प्रश्न है। कैसे भी करके आप ऋषि श्रृंग को यहां लेके आओ। अब स्थिति इस प्रकार की है कि एक तरफ राजा की आज्ञा है और एक तरफ ऋषि विभांडक के साप का भय है। सा राज भय भीताश्चे साप भीताश्चे योषिता। वेश्याओं की बुरी हालत, एक तरफ राजा का भय, एक तरफ साप का भय, राजा से ना नहीं कह सकते हैं और ऋषि के यहां जा नहीं सकते हैं, क्या किया जाए। ऐसे में एक जो वृद्धा जरद्योषा, ऐसा उल्लेख है, एक जो वृद्धा वेश्या है उसने राजा से यह कहा कि मैं जो भी करूं वो करने की मुझे अनुमति दी जाए। मतलब आप अगर ये कहें कि मैं जाऊं और उनको बुला के ले आऊं तो वो युक्ति नहीं, मैं जो भी युक्ति करूं वो युक्ति अगर करने की मुझे अनुमति हो तो मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हूं। लोमपाद को तो आम खाने थे, पेड़ गिनने से तो अर्थ था नहीं। उन्होंने तुरंत कहा कि भाई आपको जो मार्ग, आपको जो और जैसे करना हो वैसे तुम्हें सम्मति है, बस कार्य इतना होना चाहिए कि ऋषि श्रृंग हमारे राज्य में पधारे। धनम चा प्रददो भूरी रत्नानी विविधानी चा ततो रूपेण संपन्ना वैसा चा महीपते स्त्री आदाय काचिसा जगाम बन मंजसा। राजा ने खूब उसको धन संपत्ति सब कुछ दिया कि भाई तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं, तुम्हें जो काम जैसे करना हो, धन की वजह से वो काम नहीं अटकना चाहिए। तो कुछ सुंदर सुंदर स्त्रियों को, अपनी पुत्री वगैरह को लेकर के वो ऋषि श्रृंग को लोमपाद के आश्रम में लाने के लिए प्रस्थान करती है। लोमस ऋषि कहते हैं सातु नाव्याश्रमम चक्रे, उसने नाव के अंदर एक आश्रम बनाया है। देखिए आपने बोट हाउस देखे होंगे, यहां बोट आश्रम की बात है, है? उसने नाव के अंदर एक आश्रम बनाया है, किस लिए? राज कार्यार्थ सिद्ध है, अपने राजा के कार्य के अर्थ की सिद्धि के लिए, और अपने राजा की आज्ञा से उसने ये कार्य किया है। नाव में आश्रम बनाया और बहुत सारे जिसमें कृत्रिम फल फूल वृक्ष सब तरीके की लताएं, भाई जब बनावटी बनाना ही है तो फिर अच्छी तरीके से उसको तैयार किया गया है। अतीव रमणीयम तद अतीव च मनोहरम, अत्यंत सुंदर और उससे भी ज्यादा मनोहारी इस प्रकार का उस नाव के ऊपर आश्रम तैयार हो गया है। वो वहां पहुंच जाती है जहां विभांडक मुनि का आश्रम है, गुप्तचरों को भेजती है और गुप्तचरों से कहती है कि जरा पता लगाओ विभांडक ऋषि कब जाते हैं। वो कहते हैं रेकी की जाती है, तो रेकी करवाई उसने कि भाई कब ऋषि बाहर जाते हैं, कितने समय तक बाहर रहते हैं। और जब वो पूरा पता कर लिया तो एक दिन विभांडक ऋषि जब वन में गए हैं
ततो दुहितरम वेश्याम समाधायेति कार्यता। उसने अपनी पुत्री, वो भी वेश्या का कार्य करती है, उसको ये कार्य सौंपा है, सब कुछ समझा दिया कि क्या करना है, कैसे करना है। और उस वृद्ध वेश्या की वो नवयुवान पुत्री वहां विभांडक ऋषि के जाने के बाद आश्रम में पहुंच जाती है। ऋषि श्रृंग, जिनने आज से पहले किसी अन्य पुरुष, स्त्री, व्यक्ति के अपने पिता के अलावा दर्शन नहीं किए हैं, वो पहली बार उनके सम्मुख कोई खड़ा है। और वो कन्या अत्यंत मधुर वाणी में, कश्चिन मुनि कुशलम तापसानाम कच्चित चवो मूल फलम प्रसूतम कच्चित भमान रमते चाश्रमेस्मिन त्वाम वै दृष्टुम सम प्रतमागतोस्मी। हे ऋषिवर, आपके यहां सब कुछ कुशल तो है भाई, आपके यहां फल मूल वगैरह जो चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में आपको मिलते तो रहते हैं, यहां आश्रम में आपका मन तो अच्छी तरीके से लगता है, मैं आपके दर्शन के लिए यहां आई हूं। कच्चित तपो वर्धते तापसाना, भाई तपस्वियों की तपस्या में अभिवृद्धि तो हो रही है, मतलब जाकर के जैसे हालचाल पूछे जाते हैं उसी प्रकार से हालचाल पूछती है। ऋषि श्रृंग ने जब उसको देखा, आहा हा हा हा, क्या तेजस्विता है, क्या गौरवर्ण है, उनको नहीं मालूम है कि ये स्त्री है, हैं? उनको नहीं पता है कि ये क्या है, उनको तो सिर्फ इतना मालूम है जैसे उनकी लंबी लंबी जटाएं हैं, इसकी भी जटाएं हैं, इसके बाल हैं लंबे लंबे, लेकिन चोटी बनाई हुई है, आगे वो पूरा वर्णन आएगा तब तो हम इसका वर्णन करेंगे। तो वो ऋषि श्रृंग जो है उसकी उस सौंदर्यमय रूप को देख करके श्रद्धा भवान ज्योतिरेव प्रकाशते, उससे कहते हैं, अत्यंत श्रद्धापूर्वक कहते हैं कि आप तो बिल्कुल ज्योति की तरह प्रकाशित हो रहे हैं, आप तो तेज की तरह तेजस्वी हैं। मन्ने चाहम त्वाम अभिवादनीयम, और आपकी इस तेजस्विता से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपका अभिवादन करना चाहिए। पाद्यम वैते संप्रदास्यामि कामात यथा धर्मम फल मूलानि चैव, मैं आपके लिए पाद्य अर्घ लेके आता हूं और कुछ कंदमूल फल वगैरह लाता हूं, आप आए हैं तो उनके स्वागत सत्कार की तैयारी करते हैं ऋषि श्रृंग उनके तेज से प्रभावित होकर के। वो कन्या, वो वेश्या जिसने खुद का परिचय एक ऋषि के रूप में दिया है, ऋषि श्रृंग से कहती है, ममाश्रम काश्यप पुत्र रम्या त्रियोजनम शैल मिमम परेण, इस शैल शिखर के उस तरफ यहां से 3 योजन दूर मेरा आश्रम है, तत्र स्वधर्मो नाभिवादनम में, तो उस धर्म के अनुसार मैं आपका अभिवादन स्वीकार नहीं कर सकती हूं, आप मुझे प्रणाम या अभिवादन नहीं कर सकते। देखिए वेश्या है, एक ऋषि अगर प्रणाम करेंगे तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इस चीज का हमेशा ख्याल रखते थे, तो आप अभिवादन नहीं कर सकते हैं। न चोदकम पाद्य मुपस्पृशामी, और आपके द्वारा दिया हुआ मैं कोई पाद्य या अर्घ या कोई जलपान भी नहीं कर सकती हूं, हमारा ये व्रत है, हम इसी प्रकार से तपस्या करते हैं। भवतो नाभिवाद्यो हम अभिवाद्यो भवान मया, हमारे व्रत के हिसाब से आप हमारा अभिवादन नहीं कर सकते हैं लेकिन हम आपका अभिवादन करते हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। आप व्रत मेता दृशम ब्रह्मन परिस्वज्यो भवान मया, हमारा व्रत यह है कि आप हमारा आलिंगन कर सकते हैं। देखिए वो वेश्या, जिस ऋषि कुमार को यह नहीं मालूम है कि स्त्री क्या है पुरुष क्या है, उससे ये कह रही है कि आप हमें प्रणाम वगैरह नहीं कर सकते हैं लेकिन आप हमें आलिंगन कर सकते हैं। ऋषि श्रृंग जैसा उन्होंने कहा, फिर भी एक स्वागत सत्कार के लिए पके हुए फल और सारी चीजें ला करके वहां रखते हैं, लेकिन वो वेश्या कहती ये नहीं, नहीं, नहीं। देखिए मैं आपको आपके दिए हुए फल मैं नहीं खा सकती हूं, मैं अपने साथ लाई हूं फल वगैरह। और फिर रामायण में भी इसका उल्लेख है, उसने गुलाब जामुन और लड्डू जितने ये व्यंजन हैं वो सुंदर सुंदर व्यंजन और जो पेय पदार्थ हैं सब कुछ वो अपने साथ लाई है, वो सब कुछ वहां रख दिया है, थोड़ी सी पिलाई गई है, अच्छे अच्छे भोजन करवाए गए हैं, उनको सुगंधी वाली मालाएं पहनाई गई हैं,
फिर गेंद लेकर के उसके साथ खेलना शुरू करती है। विभज्यमाना फलिता रहते हुए बार बार झुकेगी, बार बार सीधी होगी। ऋषि तो खाली उसकी अदाएं देख रहे हैं। बात बात में गात्रेश्च गात्राणी निषेव माना, उनके शरीर से अपने शरीर को घिसेगी। समासलिश चासकृत ऋषि श्रृंग, और बार बार हर बात पे ऋषि श्रृंग को अपने आलिंगन में ले लेती है। अब देखिए, ऋषि कुमार हैं, मान लिया कि उनको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन इंद्रियों के विकार जो होते हैं ना, वो अवस्था के साथ स्वाभाविक रूप से आ जाया करते हैं। यहां ऋषि श्रृंग जो हैं, इस सारी प्रक्रिया से बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, उनको अत्यंत आनंद की प्राप्ति हो रही है। आज तक जैसा आनंद उनको नहीं मिला था, इस प्रकार की सुखानुभूति आज उनको हुई है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, अथ ऋषि श्रृंगम विकृतिम समीक्षे पुनः पुनः पीड्य च कायमस्य। अब तो ऋषि श्रृंग के चेहरे पे वो विकृति दिखाई देने लग गई है, लेकिन अब ऋषि श्रृंग को ये तो नहीं पता है ना कि ये ऋषि कुमार नहीं है, ये तो कोई कुमारी है, और कुमार कुमारी के बीच का संबंध क्या होता है वो तो उन्हें पता है नहीं। इसलिए जो कुछ उनके अंदर अनुभूति हो रही है, इसके परिणाम स्वरूप उन्हें क्या करना है ये तो उन्हें ज्ञात ही नहीं है। लेकिन फिर भी विकार जो मन में उत्पन्न हो रहे हैं, उनसे वो दुखी होने लग गए हैं, परेशान होने लगे, वो उनके चेहरे पे दिखाई देने लग गया है। वो वेश्या बार बार पुनः पुनः पीड्य चकायमस्य, बार बार उनको आलिंगन में लेती है। जितने बार आलिंगन में लेगी, आलिंगन का सुख तो मिलेगा, लेकिन उसके कारण उत्पन्न होने वाले विकार जो हैं वो परेशान करेंगे। इस स्थिति में ऋषि श्रृंग को करने के बाद तस्याम गतायाम मदनेन मत्तो विचेतनश्चा अभवत ऋषि श्रृंगः तामेव भावेन गतेन शून्य विनिश्वसान्नार्त रूपो बभुव। ऋषि श्रृंग से कहते कि भाई अब संध्या वंदन का समय हो गया है, और यहां से 3 योजन दूर है मेरा आश्रम, इसलिए मुझे तो जाना पड़ेगा, और ये कहकर के वहां से निकल जाती है। यानी आग लगा करके वो वहां से चली गई है। उसके जाने के बाद तो तस्याम गताया मदनेन मत्तो, अब इतना आलिंगन, इतना स्पर्श, इतना सब कुछ मिला है कि काम से व्याकुल हो गए हैं ऋषि श्रृंग। काम की परिभाषा नहीं मालूम है, काम में क्या किया जाएगा वो भी नहीं मालूम है, लेकिन काम के विकार से अत्यंत पीड़ित हो गए हैं। और बस उसी की हर बात याद आती है, चलती तो कैसे चलती, झुकती तो कैसे झुकती, बोलती तो कैसे बोलती, उसकी जटाएं हैं तो किस प्रकार की हैं। शाम हो गई, संध्या वंदन का समय हुआ, ना संध्या वंदन की, ना समिधा पिता के लिए लानी थी, ना समिधा लेके आए। जब शाम को पिता आए तो पिता कहते हैं, ना कल्प्यन्ते समिधा किम नु तात कश्चित् धृतम् चाग्निहोत्रम् त्वयाच। अरे पुत्र, ये क्या, ना तो तुम समिधा लेके आए, ना तुमने अपना अग्निहोत्र किया, ना तुमने गाय का कुछ ख्याल किया, यानी कोई काम ही नहीं किया है, क्या बात है। आज तक पिता ने अपने पुत्र को इस तरीके से तो देखा ही नहीं था। आज तक तो पिता पुत्र थे, और जो कुछ पिता ने नियम बताए बचपन से उन्हीं सारे नियमों का पालन करते रहे हैं। लेकिन आज जब वो पुत्र की ये स्थिति देखते हैं तो विभांडक मुनि भी चिंता में पड़ जाते हैं। देखिए आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो।